हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल होम स्टॉप में। आज मैं बना रही हूँ चिली पिकल हरी मिर्च का अचार। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही अच्छा रहता है। आप किसी के साथ, मतलब राइस के साथ, चपाती के साथ भी खा सकते हो। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चिली लिया हुआ है, उसको धो के छान लिया था, कपड़े में सुखा दिया, बाद में छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। बाद में मैंने यहाँ पे सौंफ और मेथी का एक एक चम्मच लिया है, हल्का सा भून के इसको पाउडर बना दिया है। मिक्सी में हल्का सा पीस लिया। अब हम मिर्ची में डालेंगे सारे मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, नमक 2 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि अचार है तो अचार में थोड़ा नमक और हल्दी ये सब तो लगता ही है। हल्दी मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, और जो हमने मसाला बनाए थे मेथी और सौंफ का, वो डाल दिया। अब मैं यहाँ पे सरसों का पाउडर ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल, और उसको गरम कर दिया उसके धुआं निकलने तक। और धीरे धीरे करके सारे तेल हम ये जो चिली है उसके ऊपर डालते जाएंगे। अगर आपको तेल थोड़ा कम लग रहा है तो बाद में भी आप डाल सकते हो। तो मैंने 250 ग्राम चिली में 250 ग्राम मस्टर्ड ऑयल डाला है। अब मैं यहाँ पे नींबू लिया है, 4 नींबू का रस इसमें डाल रही हूँ। आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो हमारा चिली पिकल रेडी हो चुका है। तो इसको आप 4-5 दिन धूप में दिखाइए और आपका हरी मिर्च का अचार रेडी हो जाएगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।